मुंबई महानगर पालिका चुनाव में इस साल हमारे चेंबूर विधानसभा से एक राजस्थानी समाज का आदमी नगर सेवक बनकर मुंबई मनपा में जाएगा तो क्या गलत होगा। उपरोक्त बातें महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के कार्याध्यक्ष और पूर्व समाज कल्याण मंत्री चंद्रकांत धंडोरे ने चेंबूर के सुभाष नगर राजीव गांधी भवन में एक महिलाओं के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा। दक्षिण मध्य मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष लक्ष्मण कोठारी द्वारा विश्व महिला दिन पर आयोजित नारी शक्ति का सम्मान समारोह की संचालिका मातोश्री विद्या मंदिर स्कूल की अध्यापिका सविता भोंसले ने प्रमुख अतिथि चंद्रकांत ठंडोरे और विशेष अतिथि जिला अध्यक्ष हुकुमराज मेहता के मंच पर उपस्थित का लाभ लेने के लिए लक्ष्मण कोठारी के गत 40 वर्षों के सामाजिक कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत कर उनको आने वाले मनपा चुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी बनाने का निवेदन भी कर डाला। उनके इस अपील को मंच और मंच के सामने बैठे लोगों ने ताली बजाकर समर्थन किया। इसके बाद माइक हाथ में आते ही श्री हंडोरे ने अपने कार्यकाल में चेंबूर मोनोरेल, चरई तालाब और सभी शमशान भूमि का विकास, गटर पानी का पाइप जैसे अनेकों काम उंगलियों पर गिनाया। इसके उपरांत उन्होंने लक्ष्मण कोठारी की शान में कसीदे पढ़ते हुए उनके सामाजिक और राजनीतिक कामों को एक एक करके अपने कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा। उन्होंने अपने भाषण के समापन पर कहा कि मेरी दिली इच्छा है कि इस बार लक्ष्मण कोठारी चेंबूर से नगर सेवक बनकर मनपा में जाएं। पिछले कई सालों से वो चेंबूर की जनता की सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। इनके नगर सेवक बनने से चेंबूर में कांग्रेस को प्रभाग समिति मिलेगी। मेरे विधानसभा चुनाव के लिए कोठारी का नगर सेवक बनना कांग्रेस और खासकर हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। इस मौके पर घाटकोपर राजावाड़ी सरकारी अस्पताल की वरिष्ठ चिकित्सक अधिकारी अलकामा ने टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस राखी ओहाला लेंस क्लब ऑफ अनुशक्ति नगर करुणा डी पाटिल निम्बान सामाजिक संस्था अध्यक्ष स्वानंदी तांबे नारायण गुरु हाई स्कूल पूर्व प्रधानाचार्य लेंसी डेविड सुश्रुत हॉस्पिटल डॉक्टर कोमल नागोरी तेरापंथ महिला मंडल चेंबूर अध्यक्षा तारा जैन सचिव शर्मिला जैन साधना जैन ग्लोबल चक्र न्यूज संध्या श्रीवास्तव लोकशाही न्यूज मनीषा महात्रे और डीआरबी न्यूज की तेज तर्रार एंकर मनीषा जोशी के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना के संकट काल में अपनी सेवाएं देने वाली 24 महिलाओं को आकर्षक और चमकीली ट्रॉफी और शाल पुष्पगुच्छ देकर चंद्रकांत धंडोरे ने उनका सम्मान किया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता एनके कामले मुंबई कांग्रेस पीसीसी सदस्य एमटी डेविड चंद्रकांत चंदू शेनाय अनिल शर्मा पूर्वी पटेल आशा शिंदे अलका अहिरे किरण आल्टे रेखा सावंत ठाकुर विजय सिंह लक्ष्मण कालखेर राजेंद्र राजू नगराले मंगल सिंह प्रसाद विश्वकर्मा रामलाल मिश्रा हर्ष महाराज धर्मेंद्र सिंह परमार अंकुश डोंगरे के अलावा सैकड़ों महिला कार्यकर्ता उपस्थित थे। वॉइस ऑफ लता नीता जाधव ने स्वर्गीय लता मंगेशकर के गाए गीतों से लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। उन्होंने ए मेरे वतन के लोगों की शानदार प्रस्तुति से उपस्थित सभी लोगों को भाव विभोर कर दिया। गायिका सपना लालवानी ने भी लता के सुंदर गीत अपनी मधुर आवाज में प्रस्तुत कर लोगों की खूब वाहवाही लुटी। इसके पीछे इंद्रधनुष रजत नाथ का पूरा कमाल था। समापन पर लक्ष्मण कोठारी ने सभी नेताओं और गायक कलाकारों को शाल और गुलदस्ता देकर स्वागत और उनका दिल से आभार माना। कार्यक्रम के आरंभ में चंद्रकांत धंडोरे और हुकुमराज मेहता और लक्ष्मण कोठारी ने स्वर्गीय लता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। पहला तो मैं महिला दिन के इस शुभ अवसर पर सारे महिला वर्ग को शुभेच्छा देता हूँ। आप देखेंगे कि झांसी लक्ष्मीबाई रानी, झांसी की रानी, उसके बाद में सावित्रीबाई फुले, माता जिजाऊ रमाई, सावित्रीबाई फुले, इंदिराजी गांधी, ऐसे महान लोगों ने इस देश में बहुत कुछ किया महिलाओं के लिए, देश के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश के लोगों के लिए। यहाँ पर महिला दिवस के इस शुभ अवसर पर हमारे कोठारी साहब ने चेंबूर की जो महिला है हर सेक्टर में जो आगे आई है, जिनका योगदान रहा, जैसा कि कोविड का ये भयानक महामारी आई, एजुकेशन सेक्टर में कुछ महिला काम कर रही है, फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रही है, सोशल सेक्टर में काम कर रही है,
ऐसे सारे महिलाओं का सत्कार सम्मान यहाँ पर आज हमारे जिला अध्यक्ष हुकुमराजी मेहता, लक्ष्मण कोठारी, डेविड और हमारे सभी साथी इनके माध्यम से यहाँ पर हुआ है। महिलाओं को सक्षम करने का काम करने का जिम्मा हम लोग ने उठाया है और महिलाओं को हर सेक्टर में आगे लाने के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज भी देश में महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, उस अन्याय अत्याचार को दूर करना हमारे देशवासियों का कर्तव्य बनता है, महिलाओं को हर सेक्टर में आगे लाने का कर्तव्य बनता है। तो आज के इस दिन के उपलक्ष्य के ऊपर मैं हमारे देशवासियों को, हमारे शहर के और खास करके चेंबूर वासियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी चेंबूर की जो महिला है और बाकी महिला है उनके पीछे आप खड़ा रहिए, हम लोग भी खड़े रहेंगे और उनको साथ देंगे, इतना मैं आज के दिन में कहना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी के राज में हमारे नेता सोनिया गांधी, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत ही काम किया है। जब हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उसके पहले हमारे दिवंगत नेता राजीव जी गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने महिलाओं के लिए पंचायत राज का निर्माण किया, महिला को पॉलिटिकली सक्षम करने के लिए उन्होंने पंचायत राज लाया था और उनके वजह से देश की जितनी भी महानगर है, नगर पालिका है, पंचायत है, तो उसमें महापौर से लेकर नगराध्यक्ष और नगर सेवक तक आज 10 लाख महिला चुन के आती है। तो ये कांग्रेस पार्टी की देन है, राजीव गांधी की देन है। महिलाओं का सक्षमीकरण करने के लिए सोनिया गांधी जी ने भी बहुत सारा प्रयास किया है। अभी फिलहाल आप देखेंगे जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें यूपी में 40% के ऊपर हमारी नेता प्रियंका गांधी ने महिलाओं को टिकट देने का काम करके महिला सक्षमीकरण का काम करने का जो काम किया है, तो आगे जाकर कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए और सारे लोगों के लिए काम करेगी। सर, ये जो प्रियंका गांधी जी का स्लोगन है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बरोबर है, वो यूपी में लड़के होने के बाद में लड़के बताया और महिलाओं को लड़ने का उन्होंने प्रोत्साहन दिया, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, जो महिला हमारी देश की परंपरा ये थी कि 51% पुरुष है और 49% महिला है, उसके बावजूद भी जो भी काम करना है, जो भी बड़ा आदमी बनना है तो आदमी ने बनने का, औरत ने खाली घर संभालना है, ये परंपरा हमारे देश की महान महिलाओं ने तोड़ दी। जैसे कि सावित्री बाई फुले ने बच्चों महिलाओं के लिए स्कूल शुरू किया, महात्मा ज्योतिबा फुले थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे थे, छत्रपति शाहू राजे थे, छत्रपति शिवाजी महाराज थे, न्यायमूर्ति रानड़े थे, ऐसे बहुत सारे महान नेताओं ने महिलाओं को आगे लाने का काम किया। जब तक महिला आगे नहीं आएगी तब तक देश सक्षम नहीं बनेगा, ऐसी इस महान नेताओं की धारणा थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेके महात्मा गांधी जी तक, ये सारे महान नेताओं की यही धारणा थी कि जैसा पुरुष आगे बढ़ता है ऐसा स्त्री भी आगे बढ़नी चाहिए, और आज देखेंगे कि स्त्री आगे बढ़ रही है, हर सेक्टर में आगे जा रही है। कल्पना चावला से लेके आप देखिए, आज ट्रेन चलाने वाली महिला है, पायलट महिला बनी है, कलेक्टर बनी है, डॉक्टर बनी है, सब सेक्टर में महिलाओं का राज चलता है। खास करके मैं हमारे नेता, दिवंगत नेता राजीव जी गांधी, इन्होंने जो महिलाओं के लिए पंचायत राज का जो बिल लाया पार्लियामेंट में और महिलाओं को पॉलिटिकली सब अधिकार देने का काम किया, उसके वजह से 10 लाख महिला आज देश में अधिकार पद के ऊपर है, नगर सेवक है, नगराध्यक्ष है, मेयर है, ये सारी पोस्ट आज महिला कवर कर रही है। तो ये बहुत सारा काम आज हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आने वाले दिनों में महिला और सक्षम हो जाएगी और उनको सक्षम करने के लिए हमारे जैसे सारे लोग हम मिलके काम करेंगे, ये मुझे लगता है।
नहीं देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हमारे भारत की महिलाओं का, जिनको कि सशक्तिकरण का प्रोग्राम हमारे पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ा धोरण है, एक जिसने कि राजीव गांधी जी ने 50% उनको पार्टनरशिप 50% हक दिया चुनाव लड़ने का, एक बहुत बड़ा हर जगह पर उनको आरक्षण दिया 50% का, जिससे महिलाएं आगे बढ़ सके। तो आज उसी को याद मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम आज महिला को उनका सम्मान करने का प्रोग्राम यहाँ पर रखा था। इसमें तरह तरह के लोग, जो डॉक्टर से लगा के पुलिस डिपार्टमेंट हो या सोशल वर्क हो, अलग अलग महिलाओं ने जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान कोरोना के काल के समय लाखों लोगों की जान बचाने का जो काम किया है, आज उन महिलाओं का यहाँ पर हमने सम्मान का कार्यक्रम किया। और ये बहुत ज़रूरी है कि उनका सम्मान किया जाए, और अभी तक बहुत ही जगह पर, और मैं बोलूँगा कि खाली 10% महिलाएं और 5% महिलाएं आगे आ रही है, अभी तक 40% महिलाएं बहुत पीछे हैं, और उनको मजबूत करने का, उनको स्ट्रांग बनाने का काम, उनको सशक्त करने का काम, उनको ताकत देने का काम है, वो हम सबको मिलना चाहिए। और हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से महिला का सशक्तिकरण के प्रोग्राम में आज उनको मजबूत करने का प्रोग्राम, उनको प्रोत्साहन देने का प्रोग्राम आज यहाँ पर रखा है। और हमें बहुत खुशी हुई कि महिलाएं बहुत ही हर फील्ड में आगे रही, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। और उसी के साथ स्वर सामग्री हमारी लता मंगेशकर जी को हमने आज यहाँ पर याद किया, जो कि एक विश्व की अजूबी महिला थी, जिसका स्वर पूरे वर्ल्ड में गूंजता था, और उसकी आवाज़ ने हमारे जीवन में एक नई चेतना, हिंदुस्तानियों के जीवन में एक नई चेतना भर दी थी, और एक सुनने के बाद हम में एक नई जोश पैदा होती है। ऐसी महान कलाकारों को आज श्रद्धांजलि देने का प्रोग्राम हमने आज यहाँ पर किया, वो भी एक महिला थी, तो उसको भी एक बहुत बड़ा आज हमारे बीच में राखी नीता जाधव करके जो गायिका है, उन्होंने बहुत अच्छा लता के स्वर में गाया, लोगों का मनोरंजन भी किया और उसके साथ उनको याद भी किया। और इस तरह आज हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में महिलाओं का सम्मान और याद करके आज ये प्रोग्राम किया, और मुझे बहुत खुशी हुई कि महिलाओं ने बहुत ही मुझे हर तरह से सपोर्ट दिया है और मुझे ताकत देने का काम किया है, और आने वाले समय में भी मैं भी हमेशा उनको मदद करने का काम करूंगा और महिला भी हमारा मदद करने का काम करेगी। ये हंडोरे साहब हमारे यहाँ के हमारे सबके नेता है, हमारे लाडले नेता है, वो जैसा कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। अगर वो मुझे चुनाव लड़ने का आदेश देंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर नहीं देंगे तो नहीं लड़ूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं 40 साल से पब्लिक की सेवा करते आ रहा हूं और आगे भी इसी तरह करता रहूंगा। मुझे जो मान सम्मान बिना नगर सेवक पे भी मिलता है, वो एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे शब्दों का सम्मान होता है। आज मैं चेंबूर मर्चेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, बहुत सी संस्थाओं से जुड़ा हूँ और लोगों को कल्याणकारी काम करने के लिए हमेशा लोगों के लिए लड़ता रहता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ज़रूरी नहीं कि वो नगर सेवक हो, नगर सेवक नहीं होकर भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, और वो काम हमेशा हम लोग 40 साल से करते आए हैं, वही हम करते रहेंगे। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।